नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम कंप्लीट करंट अफेयर्स की ये सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम अक्टूबर 2019 का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो अपलोड किया गया था 2 दिन पहले। अब आज जो है, हम नवंबर 2019 का जो करंट अफेयर्स है इसको देखेंगे। ये आपके आगामी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वो चाहे एमपी पुलिस हो, एमपीएसआई हो, एमबीबीएससी हो, रेलवे हो, सारे एग्जाम्स में ये आपको मददगार होगा। नवंबर 2019 का करंट अफेयर्स हम इसको देखेंगे। इसका पहला जो क्वेश्चन है हम देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है। नवंबर 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ये नंबूदरी साहब को दिया गया था। किस भाषा के कवि थे? तो ये मलयालम भाषा के कवि थे। इस प्रश्न का डिटेल ये है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1961 में की गई थी। ये संविधान की 22 राजभाषाओं को मैं दिया जाता है। विजेताओं को 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। और पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जी शंकर कुरुप को दिया गया था। आपको इतनी चीजें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है आपका स्पाइक मिसाइल के बारे में याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। इसका संबंध चूंकि मध्य प्रदेश से है, इसलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है। स्पाइक मिसाइल का सफल परीक्षण थल सेना के द्वारा किया गया था, और ये परीक्षण किया गया था मध्य प्रदेश की मऊ इन्फेंट्री स्कूल में, जो कि इंदौर में है। याद रखना है आपको, ये मिसाइल जो है वो 4 किलोमीटर के दायरे में अपने लक्ष्य को सटीकता से नष्ट कर सकती है। तो स्पाइक मिसाइल जो है उसका परीक्षण मध्य प्रदेश के कहाँ किया गया है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, रीवा में किया गया है या मऊ में किया गया है? तो मऊ इन्फेंट्री स्कूल में किया गया है, याद रखना है। फिर नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के बारे में आपको याद रखना है। हर साल भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है उसका आयोजन गोवा में की राजधानी पणजी में ही किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, दो केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के, एक दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, इनका विलय कर दिया गया है, जो कि नवंबर 2019 में लोकसभा में ये जो विधेयक पारित कर दिया गया। विधेयक में क्या कहा गया था? तो इस केंद्र शासित प्रदेश का जो नाम है वो अब दादर नगर हवेली दमन व दीव होगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है, इनका विलय हो गया है, ठीक है, अब इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो इसका मुख्यालय दमन एवं दीव में होगा। इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका, हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में किया जाता है, या भारत किस देश के साथ हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास करता है? आपको याद रखना है, भारत और चीन के बीच में किया गया है, ठीक है, होता ही है हैंड एंड हैंड युद्धाभ्यास। नेक्स्ट आपको याद रखना है, राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प कला मेला जो है 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? तो उड़ीसा में। फिर आपसे पूछ सकता है डिटेल में कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक जी हैं। याद रखना है उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि संगाई उत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ है? तो मणिपुर सरकार के द्वारा किया गया, अर्थात मणिपुर राज्य में किया गया है, इम्फॉल में किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, भारत की युवा निशानेबाज है मनु भाकर। सबसे पहले तो आपको याद ये रखना है कि मनु भाकर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो वो निशानेबाज है, पहली चीज। फिर उन्होंने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में फाइनल में जो है 10 मीटर की एयर पिस्टल में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका, रोर ऑफ द सी नामक एक युद्ध अभ्यास है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, हैंड एंड हैंड जो है वो किन दो देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। ऐसे ही रोर ऑफ द सी नामक युद्धाभ्यास भारत और कतर के बीच में आयोजित किया जाता है, याद रखना है। आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जो अभी हाल ही में 2019 का दिया गया है, एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण से संबंधित हैं, ग्रेटा थनबर्ग, ये बहुत चर्चित नाम रहा है 2019 में, इसलिए आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन की डिटेल ये है कि ये ग्रेटा थनबर्ग जो है वो एक तो पर्यावरण एक्टिविस्ट है, और जो है ये पर्यावरण संरक्षण के लिए ही इनको दिया गया है, ठीक है, स्वीडन की है ये। ग्रेटा थनबर्ग के बारे में ये पूछा जाता है, कौन से देश की है ये भी पूछा जा सकता है, तो स्वीडन
की जो है ये रहने वाली हैं और ये पर्यावरण के लिए काम करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भारत में, क्योंकि क्रिकेट बहुत फेमस है ना। खेल से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, तो पूछा सकता है कि भारत ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट किस देश के साथ खेला। तो पहली चीज तो बांग्लादेश के साथ। किस मैदान पे खेला है, तो ईडन गार्डन में खेला है। आपको याद रखना है डे नाइट टेस्ट में गुलाबी रंग की गेंद का यूज किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, तो इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है प्रकृतिवादी डेविड एटनबोरो को। ठीक है, याद रखना है, थोड़ा सा नाम टफ लग रहा है डेविड एटनबोरो, लेकिन आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार किसको दिया गया है, तो डेविड एटनबोरो को दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें विश्व के प्राकृतिक अजूबों को विश्व के सामने लाने के लिए दिया गया। इस पुरस्कार की डिटेल ये है कि ये पुरस्कार इंदिरा गांधी ट्रस्ट के द्वारा 1986 से दिया जाता है और 25 लाख रुपए की इनामी राशि इसमें दी जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट आपको अग्नि मिसाइल के बारे में याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भारत ने अग्नि 2 मिसाइल का जो है वो रात्रि परीक्षण कर लिया है, मतलब इसको हम रात में भी यूज कर सकते हैं। परमाणु हथियार ले जाने वाली ये मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका परीक्षण कहाँ किया गया है ये पूछा जा सकता है, तो इसका परीक्षण किया गया है अब्दुल कलाम द्वीप पर, इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा के तट पर किया गया है। फिर से उड़ीसा आ गया, अभी हमने पढ़ा था उड़ीसा के जो है नवीन पटनायक जो है वो क्या है, मुख्यमंत्री है, राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, याद रखना है इनके बारे में। फिर अग्नि 2 मिसाइल है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसका जो विकसा विकास है वो कौन करता है, तो DRDO करता है। ठीक है, रक्षा अनुसंधान व विकास संस्थान जो है ये संगठन है इसका जो अग्नि 2 मिसाइल को विकसित किया है। ठीक है, और ये सतह से सतह मार करने वाली जो है मिसाइल है। इस तरह से इसकी कुछ डिटेल होती है अग्नि 2 मिसाइल की, जो कि आपको PDF में मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फिलीपींस एक देश है दक्षिण एशियाई का, आपको पता होना चाहिए, जिसकी राजधानी मनीला है। ये भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा, इंपॉर्टेंट है। भारत किससे खरीदता है ब्रह्मोस मिसाइल की जो डिटेल है वो ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस से खरीदता है और भारत से खरीदेगा कौन, फिलीपींस। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल की हम डिटेल देख लेते हैं। तो ब्रह्मोस एक मध्यम श्रेणी की क्रूज मिसाइल है, ठीक है, जिसे पनडुब्बी विमान जहाज जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, और ये इसका नाम जो है वो भारत की एक नदी है ब्रह्मपुत्र और रूस की एक नदी है मोस्कवा के नामों से मिलाकर किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, याद रखना है इनका नाम। तो मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो डिटेल है आपको याद रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है कि अब सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके बारे में, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये कि शरद अरविंद जो बोबड़े साहब हैं ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं, तो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था नवंबर 2019 में, कहाँ आयोजित किया गया था। ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था या भारत के कौन से प्रतिनिधि ने उसमें जो है वहां पर भाग लिया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसमें भाग लिया है और थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक है वहां पर इसका आयोजन किया गया। 2020 का जो आसियान शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन वियतनाम में होना था, लेकिन COVID-19 के कारण ये आयोजन नहीं किया गया है। इस क्वेश्चन की डिटेल ये है, आसियान के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1967 को की गई थी, ये भी विविध वाला पोर्शन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आसियान की स्थापना कब की गई थी, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, IMF की स्थापना कब की गई थी, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है इनके बारे में पूछ लिया जाता है। आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में स्थित है में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और साहित्यिक पुरस्कार है JCB पुरस्कार जो कि माधुरी विजय ने जीता है। ठीक है, उनका एक उपन्यास आया था द फॉर फील्ड,
के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट जेसीबी पुरस्कार की डिटेल के बारे में यदि हम बात करें तो ये एक साहित्यिक पुरस्कार है जिसकी स्थापना हाल ही में 2018 में की गई थी। इसमें भी 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रग्बी विश्व कप हुआ था 2019 में। ये भी हमारे क्रिकेट विश्व कप की तरह हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। इसको दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को पराजित करके जीता था। इंपॉर्टेंट है ये खेल की दृष्टि से, ठीक है। रग्बी विश्व कप के बारे में यदि हम बात करें तो इसका आयोजन हर 4 साल में होता है और 2019 का जो रग्बी विश्व कप है उसका आयोजन जापान में किया गया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पुरस्कार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यास सम्मान पुरस्कार के बारे में हम देख रहे हैं। व्यास सम्मान 2018 की घोषणा हुई थी जो कि हिंदी के लेखक लीलाधर जगुड़ी साहब को दिया गया था, उनके काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए। जबकि व्यास सम्मान 2019 जो है वो लेखिका नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए दिया गया। तो इन दोनों को याद रख लेना है। थोड़ा सा पीछे का भी पूछ लेते हैं, वो जैसे कि रेलवेज वगैरह में वो पुराना पूछ लेते हैं। इस क्वेश्चन की डिटेल ये है कि हमें व्यास सम्मान के बारे में याद रखना है। जैसे हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ा था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी, उसी तरह से व्यास सम्मान की शुरुआत जो है वो 1991 में की गई। कौन देता है तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये प्रदान किया जाता है। इसमें पुरस्कार को 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है और सबसे पहले डॉक्टर राम विलास शर्मा जी को ये प्रदान किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और खेल से संबंधित क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी जो है ये किसने जीता है? इंडिया बी ने जीता है। इंपॉर्टेंट है, हमने पिछले अक्टूबर वाले करंट अफेयर्स में देखा था विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती थी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इसके बारे में भी याद रख लेना है। नेक्स्ट है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2019 जो है वो मनु भाकर ने जीती है। मैंने बता दिया था ये शूटिंग से संबंधित है, मनु भाकर एक युवा प्रतिभा है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिर पहला बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था। ये वन लाइनर है आपके कि देवधर ट्रॉफी किसने जीती है ना, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीती है ना, ये बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये अपने विशाखापट्टनम में किया गया था। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, आपको याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नवंबर में 2019 में 11वां शिखर सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया था। तो आपको याद रखना है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था ब्राजील में हुआ था, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है और फिर ब्राजील के ही राष्ट्रपति साहब जो है वो हमारे 2020 का जो गणतंत्र दिवस हुआ था 26 जनवरी को वो जो है वो कहाँ आए थे, फिर हमारे मुख्य अतिथि बन के आए थे, ठीक है। 2023 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप है उसकी मेजबानी भारत करेगा, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट है गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर बनाए गए हैं संजय गुप्ता जी, तो आपको इनको भी थोड़ा सा याद रख लेना है। और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, प्रविंद जगन्नाथ है ना, जुगन्नाथ लिखा है उसमें, प्रविंद जगन्नाथ को मॉरिशस का प्रधानमंत्री बनाया गया है। भारत के मॉरिशस से बहुत अच्छे संबंध है, मॉरिशस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। मॉरिशस एक हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है ना, जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। यहाँ की बहुत सारी जनसंख्या चूंकि हिंदू है ना, इसलिए भारत इनसे हमेशा से ही अच्छे रिश्ते रखता है। नेक्स्ट मैं ये बता चुका हूँ आपको कि ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो जो है वो 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि रहे हैं। इसकी घोषणा नवंबर में ही कर दी गई थी, इसलिए हमें थोड़ा सा याद रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से जो है हम आपको करंट अफेयर्स उपलब्ध कराते रहेंगे।